देख सकते हो इस प्रकार से मैंने एक सेट फाइंडर जो है तैयार किया है जो होगी जल्दी, क्योंकि ये मेरा जो सेट फाइंडर है ना, तो ये जो ट्यूनर है इसका जो है वायर अंदर से टूट गया, जो कि पूरी तरह से हिल रहा है, इसके लिए सिग्नल नहीं मिल रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और ये झटपट मैंने अभी बनाया है सॉलिड के 6303 से, और यहाँ पे टीवी मैंने लगा दिया, हालांकि मेरे पास एक नया टीवी था जो कि छोटा वाला टीवी, और इस तरह से सॉलिड 6303 है। और बात करें तो 12 वोल्ट की अगर मैं यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारा चैनल चल भी रहा है। और यहाँ पे मैंने अडाप्टर भी लगाया, हालांकि आगे आने वाले दिनों में मैं इसको बैटरी से पूरा फुल करने वाला हूँ, उसी बैटरी को यहाँ पे लगा दूंगा, और इस तरह से मेरा एक नया सेट फाइंडर पूरी तरह से ओके हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से चल भी रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी से शॉर्ट्स वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नीचे अपना राय कमेंट जरूर करिएगा, जो भी इस वीडियो के रिलेटेड आपका ओपिनियन है।